नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा। बुधवार को एजी कॉलेज तिराहे पर बने दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा को तड़के 4 बजे भारी पुलिस अमले के साथ पहुंचे नगर निगम प्रशासन ने जमींदोज कर दिया था। वहीं अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। स्थानीय नेताओं एवं लोगों में काफी आक्रोश है। प्रशासन को सख्त लहजे में कहा है कि जिस तरह से उच्च न्यायालय के आदेश की दुहाई देते हुए मंदिर को अतिक्रमण बताकर बिना किसी पूर्व सूचना के ध्वस्त कर दिया गया, जबकि न्यायालय के आदेश में मंदिर का जिक्र तक नहीं है। लोगों ने वहीं प्रशासन को चेताया है कि अगर वो मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं कराता तो जनता उग्र आंदोलन करने को विवश होगी। आइए सुनते हैं लोगों का क्या कहना है। सर, ये जानना चाह रहा था, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि पहले गिराने के पहले नाप नहीं मिला, बाद में किसी ने आवेदन नहीं लगाया, फिर उसके बाद कल नाप करने के लिए, किस बात के लिए नाप करने के लिए अपराध विभाग नाप क्यों किया गया? किसका वो दबाव था? किसका दबाव था? क्यों कर रहा है? तहसीलदार साहब ने मेरे से ये बोला था कि 3000 फीट मंदिर जा रहा है बाकी शास्त्री में, और अब जो है पूरे नाप कराई गई है, वो मंदिर के बिल्कुल लेकर क्लियर कराई गई है, और किसी के सामने जबकि सुनिए, जब ये अतिक्रमण भी किया वहाँ पर, वापस जो है लोगों का जनसमूह बैठा, वहाँ पर रामायण शुरू हुई, सारा काम हुआ, प्रशासन वहाँ पहुँचा, मैं स्वयं था, टीआई साहब आपसे, सब लोग थे, सब लोग के बाद जो है वो सबको स्थल जैसा बोला प्रशासन वैसा काम कर दिया, और बात हुई थी हटा लिया। उसके बाद जब यह हुआ कि भाई इसको जो उसके मालिक से बात हुई, आप लोग के माध्यम से प्रशासन मालिक से बात हुई, मालिक ने बोला कि हम लोगों के साथ बैठ के बात कर लेंगे, उसके बाद हम कुछ जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, अब वो तो बात सब हट गए। उसके बाद से आकर कब किसके आदेश से किसने कागज लगाया कि वहाँ पर नाप होना शुरू हो गई, बाउंड्री होने वाली है हम लोग। संगठन व्यक्तिगत रूप से नहीं, आम जनमानस जो है जिसकी श्रद्धा को चोट पहुंचाई गई है हनुमान जी के मंदिर, महिला मंडलों के सामने ले भाई, पूरे आम जनमानस की आस्था को चोट पहुंचाई गई है, दिल को चोट पहुंचाई गई है। इससे आहत होकर पूरा आम जनमानस जो है आज है इस दुर्घटना का जो है विरोध करने के लिए, मंदिर टूटने का विरोध करने के लिए आज माननीय कलेक्टर साहब को जो है अपना ज्ञापन देने आया था, और उसी तारतम्य में आप देखेंगे कि हजारों लोग की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, महिलाएं बच्चे और सभी आम जनमानस उपस्थित हैं जिनकी भावना जो है इस मंदिर को तोड़े जाने से आ रही है। अभी आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा, हमने प्रशासन को जो है ज्ञापन के माध्यम से चेता दिया है कि किसी स्वतंत्र जो है एजेंसी से जो टीम पहले जाँच करी है उसको हटा करके नई टीम बना करके उस स्थल का जो है सीमांकन कराया जाए, उसके बाद ये कोई निर्माण कार्य हो, अगर इसके बीच कोई निर्माण कार्य होता है तो हम जो है तो हम लोग जो है फिर अगर आंदोलन है। आम जनमानस, पूरे रीवा शहर का जनमानस यहां पहुंचा हुआ है, और यहां हजारों की संख्या में लोग जहां पहुंचे हैं इस बात के लिए, जिस प्रकार से एक जो है भूमि स्वामी को प्रशासन, शासन और सत्ता लगकर जिस प्रकार से लाभ पहुंचाने के लिए हनुमान मंदिर को जिस प्रकार से गिरा दिया गया, उन भावनाओं को देखते हुए यहाँ पर पूरे जिले का और यहाँ पर रीवा शहर के लोग, यहाँ हर हिंदू संगठन के लोग, हर आम आदमी कदम उठाया है। तो आप सभी जो है यहाँ पहुंची हुई इसी बात के लिए कि यहाँ पर जो मंदिर गिराया गया वो गलत गिराया गया और वापस यहीं पर बनवाया जाए, क्योंकि आसपास के एरिया में दक्षिण मुखी जो है वो हनुमान जी मंदिर यहीं पर थे, और जैसे मेरे घर में कुछ मैंने मन्नत रखी थी पूरी हुई है, मेरी एक आस्था थी, वैसे आप लोग की बहुत सारे लोगों की आस्था होगी, ये बहुत दिन से मंदिर से बहुत दिन से भगवान यहाँ बैठे थे, तो अभी आप लोग यहाँ पर आए, यहाँ से अभी आप लोग यहाँ पर, आप लोग यहाँ से अभी कहाँ जाएंगी? हम लोग कहाँ जाएंगे, जाएंगे जहाँ जहाँ कलेक्टर साहब से बात करेंगे, आप लोग बोलेंगे इसको ऐसा किया जाए, जो भी प्रक्रिया मंदिर बनने में जो भी चीजें सहायक होगी, शासन प्रशासन हमारे लोग एक समभाव से, कोई मतलब किस तरह का कोई द्वेष ना आए, आपस में टकराव ना होते हुए मंदिर की स्थापना हो और हनुमान जी महाराज फिर से यहाँ पे आए, फिर से हम कीर्तन करें यहाँ पे। ये आप लोगों को जानकारी है कि मंदिर क्यों गिराया गया, जानकारी है आपको? जी, हमें तो ये बताया गया कि शायद अतिक्रमण के तहत गिराया गया है मंदिर। हाँ। को तो आप लोग जो खड़े हैं पीछे देखिए, या उठाइए थोड़ा सा ऊपर, ये पीछे एक जमीन पड़ी हुई है, ये जमीन के जो मालिक हैं
वो इस सबको फ्रंट चाहते थे। अच्छा। तो मंदिर उनके उसमें नहीं था, जबकि बना हुआ जो बना हुआ यहाँ पर है, तो ये जो है इस मंदिर को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा फ्रंट हो जाए निकलने के लिए। तो भगवान से बढ़कर जो है, और लोग जो हैं, हम लोग बहुत सारे लोग मिलने गए थे उनसे, पर वो मिलने से इनकार करते रहे। तो आप सभी लोग यहाँ से भी ले जाएंगे, तो पहले आम पब्लिक से बात करना चाहिए था, जन भावनाओं को सोचना चाहिए था कि भावनाएं आहत ना हो, क्योंकि धर्म का मामला है। लोग बहुत दूर दूर से आते थे, समझिए दक्षिणमुखी हनुमान जी के दर्शन और परिक्रमा के लिए लोग बेरा से आते थे। कि एजी कॉलेज के गड्ढे पे दक्षिणमुखी हनुमान जी का मंदिर है और दुर्गा मंदिर है, तो भावना और आस्थाओं का भी एक महत्व होता है। तो सामंजस्य से बनाते हुए काम किया जा सकता था। और अगर मंदिर यहाँ कंटिन्यू एक्सीडेंट होते थे, इतने लोग मरते थे, लेकिन जब से हमारे बजरंग बली यहाँ आ गए हैं ऐसा कोई भी कांड नहीं हुआ है। इसलिए हमारी आत्मा दुखी है कि बजरंगबली को यहाँ से हटा दिया। मतलब कहने का मतलब ये कि जो मंदिर था ये सार्वजनिक मंदिर था, सब लोग जैसे मैं आता था वैसे आप लोग भी सब लोग थे। आपका था, हमारा था, सबका था, कोई दुखी होता था, कोई सुखी होता था, यही आता। कैसा कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर जिस प्रकार से मंदिर गिरा दिया गया? अच्छा नहीं लग रहा, बहुत दुख लग रहा है मन से कि मंदिर इतना अच्छा मंदिर है। तो कैसा लगे, चौराहे में मंदिर था, कितना सब लोगों की सुरक्षा होती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।